हे वेलकम टू ऑल दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बात करने वाले सभी राज्यों के राज्यपाल, जो कि करंट अफेयर्स के दोस्तों क्वेश्चन की बात किया जाए तो 11 राज्य के राज्यपाल जो चेंज किए गए हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज उसी 11 राज्य के पाल के बारे में बात करने वाले हैं ट्रिक के साथ, और जितना भी पाँचों क्वेश्चन दिख रहा है ये सारे ट्रिक पर डिपेंडेड है। तो मैं ये 10 मिनट की वीडियो में सारे ट्रिक से आप सभी को राज्यपाल याद करने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, सिर्फ 10 मिनट के बाद आप सभी को सारे राज्यपाल याद हो जाएंगे। और स्टार्ट करते आज के वीडियो को। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए, सिक्किम के न्यू राज्यपाल को किसे नियुक्त किया गया है, देखिएगा तो किसे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इस वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में सारे राज्यपाल को आप सभी याद करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सिक्किम के राज्यपाल की बात करें कि जो न्यू अपडेट निकल कर आया है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो यहां से देखिएगा मैं ट्रिक क्या बनाने जा रहा हूं, ट्रिक से आप सभी याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है। सिक्किम से दोस्तों सिक्का निकल कर आ रहे, सिक्का यानी कि क्वेन की बात करें, जो पैसा होता है ना, सिक्किम से क्या निकल कर आ रहे दोस्तों, सिक्किम से सिक्का निकल कर आ रहा है ना। देखिए ट्रिक दोस्तों, आपसे को सिर्फ एक याद कराने का एक जरिया है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सिक्किम से दोस्तों सिक्का निकल कर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है अचार। तो अचार खरीदने के लिए क्या चाहिए, सिक्का चाहिए। देखिए सिंपल सा, हम सभी को पता होगा, पता है कि अभी जो एग्जाम चल रहा है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है तो उसमें ऑप्शन वाइज आ रहे दोस्तों, कह रहे हैं ऑप्शन वाइज आ रहा है। तो हम लोग को सिर्फ माइंड क्लिक होना चाहिए कि आचार्य जो हैं वो सिक्किम से रिलेटेड हैं, यानी पूछा जाएगा कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य जी, इनके जैसा और कोई नाम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो फट दे माइंड क्लिक होना चाहिए कि आचार्य जी, आचार खरीदने के लिए क्या चाहिए, सिक्का चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन था कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है, तो आचार खरीदने के लिए सिक्का चाहिए, तो सिक्किम के आचार्य जी हो गए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि असम, दूसरा कह रहा है कि असम के न्यू राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, गुलाब चंद कटारिया को। तो एक यहां पर बात क्या मैंने यहां पर ट्रिक के लगाया है कि शाम केस में एक लड़का क्या कर रहा है, रिया को गुलाब देने जा रहा है। ये भी आप याद कर सकते हैं, गुलाब यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दोस्तों रिया आ रहा है। तो शाम के समय क्या कर रहा है दोस्तों, सॉरी गुलाब देने जा रहा है। शाम के समय की बात करें तो शाम से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, और गुलाब चंद कटारिया, या शाम के समय जब बात होता है दोस्तों, शाम से कुछ समय ढलता है तो चंदा मामा क्या करते हैं, दिखाई देते। एक एक पॉइंट को सिर्फ हम लोग को क्लीन करके चलना है इस ट्री को बनाने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को जो न्यू राज्यपाल बनाए गए हैं वो हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश के न्यू राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यहां पर बात करेंगे कि यहां पर देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल जो पर्वत है दोस्तों, हम यहां पर ट्रिक क्या बनाए हैं देखिएगा, थोड़ा सा हमारा ट्रिक क्या है यहां पर कि हिमाचल जो पर्वत है दोस्तों, क्या है हमारा जो दोस्तों जो हिमाचल यहाँ पर पर्वत है, वहां पर क्या, कौन से रह रहे हैं, कौन से देवता, तो शिव जी रह रहे हैं। कौन से रह रहे हैं दोस्तों, शिव जी। अभी मैं दोस्तों वीडियो के अंत में सारे चीज को एकदम कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों, हिमाचल पर्वत पर कौन रहते, तो शिव जी रहते, तो हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल। कौन हो जाएंगे दोस्तों, शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के न्यू राज्यपाल हो जाएंगे। क्या दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक वर्ड दिखाई दे रहा है चल, अरुणाचल में दोस्तों आप सभी को दिखाई दे रहा होगा चल, तो चल। और यहाँ पर दोस्तों जो बने हैं, कौन बने हैं, तो केवल्य त्रिविक्रम पर नाइक। तो हमारा यहाँ पर ट्रिक क्या बनने वाला है कि चल केवल नाइक के पास, चल केवल केवल नाइक के पास, यानी कि चल केवल बाल कटाने के लिए नाइक के पास। तो आप सभी इसको ऐसे याद रखना है, जैसे ही आएगा अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के न्यू राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो चल केवल नाई के पास, चल केवल नाई के पास, तो केवल ये नाइक, और इसके जैसा कोई नाम नहीं रहेगा। तो माना एकदम क्लिक करके एकदम ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे दोस्तों, झारखंड,
झारखंड के न्यू राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो झारखंड के जो न्यू राज्यपाल हैं वो सीपी राधा कृष्ण जी हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक बहुत ही प्यारा है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा कि झारखंड के जो राज्यपाल बनाए गए हैं सीपी राधा कृष्ण जी हैं। तो हमारा ट्रिक क्या कह रहा है कि झाड़ी में राधा कृष्ण जी छिप करके प्यार कर रहे हैं। राधा और कृष्ण जी क्या करें, छिप करके झाड़ी में क्या करें, झारखंड से झाड़ी में क्या करें, प्यार कर रहे। हमारा ट्रिक यहाँ के ये है कि राधा कृष्ण जी है सीपी राधा कृष्ण जी, तो छिप करके राधा कृष्ण जी झाड़ियों में प्यार कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो न्यू राज्यपाल जो घोषित किए गए हैं एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के न्यू राज्यपाल घोषित किया गया है। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आंध्र प्रदेश से दोस्तों आंधा आ रहा है, आंधा यानी बोले तो ब्लाइंड, ब्लाइंड माने आंधा, आंधा जिसे दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है कि दोस्तों आंधे को जीरा नहीं दिखाई देता है, नजीर में दोस्तों जीरा दिखाई दे रहा होगा, क्या जीरा, जो छोटी छोटी जीरा होता है ना जो छोंकने के लिए काम आता है, तो वो जीरा, आंधे लोगों को जीरा नहीं दिखाई देते। तो आंध्र प्रदेश दोस्तों जैसे ही आएगा कि आंध्र प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल कौन है, तो जीरा, और जीरा से माइंड क्लियर करेगा दोस्तों नजीरा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के न्यू राज्यपाल किसे बनाया गया है? छत्तीसगढ़ के न्यू राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन। तो बिश्वाभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया। अब इसको कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 36 आ रहा है, 36 ये ना 36, 30 अच्छा 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब बिश्वाभूषण हरिचंदन, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या बनाया ट्रिक कि 36 प्रकार होते हैं आभूषण के। आभूषण कहने का मतलब दोस्तों भूषण, आभूषण से भूषण निकल कर आए, सारे ट्री को लिखते हुए चलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि 36 प्रकार होते हैं, यहाँ पर भूषण से दोस्तों हम आभूषण इसको लिख करके चलेंगे और लिखेंगे कि आभूषण के 36 प्रकार होता है, आभूषण के 36 प्रकार होता है। जब पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के न्यू राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा भूषण, और भूषण से आएगा बिश्वाभूषण हरिचंदन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मेघालय। नेक्स्ट क्या है, मेघालय को कैसे याद करेंगे कि मेघालय के न्यू राज्यपाल किसे बनाया गया? तो मेघालय के न्यू राज्यपाल फागु चौहान को बनाया गया, फागु चौहान को इसके न्यू राज्यपाल बनाया गया। तो मेघालय से दोस्तों विद्यालय आ रहा होगा, मेघालय से दोस्तों विद्यालय आ रहा है, और विद्यालय कहाँ पर है, चौराहे पर है। विद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, चौराहे पर है। तो इसको याद करने की छोटी सी फंडा है कि जो विद्यालय कहाँ पर है, चौराहे पर है, यानी कि मेघालय के चौहान जी हो जाएंगे, कौन चौहान, फागु चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के न्यू राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो रमेश वैस को बनाया गया। अब यहां पर क्या ट्रिक काम कर रहा है, बहुत ही देहाती ट्रिक है दोस्तों, बात किया जाए तो यहां पर देखना है महाराष्ट्र में महान आ रहा है, महान आ रहा है, महान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र में महान आ रहा है दोस्तों, और महाराष्ट्र के महान को लेकर के, और यहाँ पर करना है कि रमेश जी आपकी भैंस, भैंस को दोस्तों हम लेके चलेंगे भैंस, और महान है ऐसे करना है कि महान है भैंस आपके, किसका भैंस, रमेश जी के भैंस बहुत ही महान है। तो पूछेगा कि महाराष्ट्र के न्यू राज्यपाल किसे बनाया गया, तो फोर्ट से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि महाराष्ट्र यानी कि महान है रमेश जी की भैंस, रमेश वैस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर का दोस्तों क्या जाएगा, मणिपुर के जो न्यू राज्यपाल बनाए गए हैं अनुसुईया इक्वे को बनाया गया है। तो मणिपुर में दोस्तों आपसे को मणि आ रहा है, नागमणि, मणि में क्या आ रहा है, नागमणि आ रहा है, नहीं मणि जो होता है ना मणि, तो मणि यहाँ पर दिखेगा, मणिपुर में दोस्तों आ रहा होगा आप सभी का मणि। तो मणि निकालने के लिए क्या चाहिए, सुई चाहिए, सुई, हमको जो सुई दिखाई देता है ना सुई चाहिए, यानी कि मणि निकालने के लिए सुई चाहिए, और अनुसुईया, अनुसुईया में आ रहा है दोस्तों सुई। तो पूछेगा कि मणिपुर के न्यू राज्यपाल किसे घोषित किया गया है, तो मणिपुर जैसे ही देखेगा वैसे आपसे क्लिक करना चाहिए कि मणिपुर यानी कि मणि निकालने के लिए सुई चाहिए, यानी कि अनुसुईया इक्वे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो हो जाएंगे सीवी
आनंद घोष, सी वी आनंद घोष जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो जाएंगे। अब देखिए इसको याद करने का क्या ट्रिक है, बंगाल में दोस्तों बंगला आ रहा होगा, बंगला जो घर बंगला होता है ना वो आ रहा है, तो सी वी जी आनंद कर रहे हैं कहाँ पर, बंगले में आनंद जी सॉरी सी वी जी आनंद कर रहे हैं, बंगले में बैठ करके क्या कर रहे दोस्तों, वो आनंद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड के हो जाएंगे गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं वो गुरमीत सिंह हैं। और इसका याद करने का बेसिक सा तरीका है कि जो उत्तराखंड में दोस्तों खंड आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, खंड आ रहा है यहाँ पर, खंड यहाँ पर गुरमीत में गुर गुर का जो भेली होता है ना उसको खंड खंड करना है, गुरमीत जी में उत्तराखंड में आ रहा है खंड और गुरमीत में आ रहा है गुर, तो गुर को क्या करना है, खंड खंड करना है। ठीक है, ये सारे दोस्तों आप सभी को याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, सारे क्लियरिटी आप सभी को आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कर्नाटक का हो जाएंगे थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत कहाँ के हैं, तो कर्नाटक के राज्यपाल हो जाएंगे थावरचंद गहलोत। इसकी याद करने की बहुत ही बेसिक तरीका क्या है, कर्नाटक में दोस्तों आप सभी को नाटक दिखाई दे रहा होगा, कर्नाटक में नाटक आता है और यहाँ पर गहलोत में लोट, तो लूट लूट के क्या कर रहा है वो, नाटक कर रहा है, लूट लूट के वो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, यानी कि कर्नाटक के गहलोत हो जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर जो क्वेश्चन का है, केरल, केरल के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर कह रहे ना कि केरा, केरल से दोस्तों केरा याद रखिएगा। ठीक है, केरल से क्या करना है, केरल केरा याद रखना है, और केरा खाने में क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम के न्यू राज्यपाल कौन है, तो हरी बाबू कंभपति। तो मिजोरम में आ रहा है जोर, और जोर से क्या करना है, जोर से बापू हरी के नाम लो, जोर से बापू हरी के नाम लो, यहाँ पर दोस्तों जोर दिखाई दे रहा होगा, और जोर से बापू हरी के नाम लो, जोर से बापू हरी के नाम लो। अगर जैसे ही आएगा एग्जाम में कि मिजोरम के राज्यपाल कौन है, तो मिजोरम से आएगा जोर, और जोर से बाबू लो हरी का नाम, ऐसे इसको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, जोर से लो बाबू हरी के नाम। देखिए दोस्तों ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही मस्त है, आप सभी एक बार में नहीं समझ पाए दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है ना, कॉपी में नोट करिएगा तभी जाकर के समझ में आएगा। 16 नंबर है त्रिपुरा, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण जी हो जाएंगे, त्रिपुरा के जो हो जाएंगे दोस्तों सत्य नारायण जी हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद कहता है गोवा, गोवा के PM श्रीधर पिल्लई। ठीक है, तो गोवा में दोस्तों इसका जो मैंने ट्रिक लगाया थोड़ा फनी ट्रिक है। ठीक है ना, गोवा की बात किया जाए कि गोवा के न्यू राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो पिल्ले से आ जाएगा पिल्ला, और गोवा में क्या है इसकी बहुत कमी है। ठीक है ना, गोवा में बहुत ही इसकी कमी है, तो इसे याद रखेंगे, जो पिल्ले ही आएगा ना PM श्रीधर पिल्ले ही, तो पिल्ले से पिल्ला याद रखना, और गोवा में बहुत क्या है, कम है। ठीक है, बिहार के दोस्तों राजेंद्र वो अलेंकर जी हो जाएंगे, उड़ीसा के गणेशी लाल हो जाएंगे, तमिलनाडु के RN रवि हो जाएंगे, हरियाणा के बंडारू दत्ता हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के आनंदी बेन पटेल, और नागालैंड के L गणेशन हो जाएंगे। और ये रहा आज का दोस्तों करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन, जो कि सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से बात कर ले दोस्तों, मैंने बताया था पहले कि सिक्किम के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए, जो 11 इधर दिख रहा होगा दोस्तों ना, ये सारे अपडेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत चांसेस, जो अभी हमने जो बताया आप सभी को कि सभी राज्य के राज्यपाल के बारे में, ये बहुत ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो 11 राज्य के जो राज्यपाल चेंज किए गए हैं इससे आने वाले आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हमने बात किया दोस्तों ट्रिक के द्वारा कि इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो असम की सिक्किम की बात की तो सिक्किम के अचार खरीदने के लिए क्या चाहिए, सिक्का चाहिए। असम की बात किया तो शाम के समय गुलाब किसको देने जा रहा है, रिया को गुलाब देने जा रहा है। उसके बाद हिमाचल यानी कि हिमाचल पर्वत पर शिव जी रह रहे हैं। अरुणाचल चल सिर्फ केवल नाई के पास। झारखंड झाड़ी में राधा कृष्ण जी प्यार करते हैं। आंध्र प्रदेश आंधे को जीरा नहीं दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ आभूषण के 36 प्रकार होते हैं। मेघालय यानी कि जो विद्यालय वो चौराहे पर है। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा ट्रिक वाला दोस्तों कमेंट से जरूर बताइएगा, ट्रिक कैसा लगा
स्पेशली बताएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।